अंतर्राष्ट्रीय उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हरिगढ़ विभाग के सह संपर्क प्रमुख एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उदयीमान उद्योगपति दुर्गेश वाशने से हाथरस 24 की खास बातचीत। दुर्गेश वाशने जी, आपको तमाम बार उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम बार तमाम एनजीओ में, तमाम संगठनों में और हमेशा दिल्ली में भी जब भी आप सम्मानित किया जाए, अब भी कभी राष्ट्र पुरस्कार से कभी अंतर्राष्ट्रीय तमाम संगठनों ने आपको सम्मानित किया है। आपको काफी लंबा समय हो गया और आप बहुत लोगों को रोजगार हैं, आप क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपके पास व्यापार के अलावा परिवार भी है और आपके पास संगठन की भी जिम्मेदारी है, आरएस की जिम्मेदारी है, समाज सेवा भी आप करते हैं और तमाम लोग रोज रहे हैं, आपको कैसे ये सब होगा? पहले तो धन्यवाद, आपने इन उपलब्धियों के बारे में बताया। बाकी उपलब्धियां तो व्यक्ति कार्य करता है अपना निश्चल भाव से निरंतर बढ़ते हुए, तो ये उसका एक अंग बनती जाती है। सर, परिवार को समय देना, समाज को समय देना और संगठन को समय देना, ये एक टाइम मैनेजमेंट है। आप अपना कार्य किस तरीके से विभाजित करते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। मैंने फिर भी ये देखा जाता है कि इतनी मतलब फैक्ट्रियां हैं, काम है, उसके बाद जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, उनकी शिक्षा तो चार चीज आपको देखनी पड़ती है, उसके बावजूद चाहे आरएसएस कार्यक्रम हो, संगठन हो, कभी भी हो, बढ़ चढ़कर आप और आपका परिवार पूरी हिस्सेदारी करता है सामाजिक कार्य में भी, तो ये बड़ी चीज होगी, कैसे ये सब होगा? नहीं, ये देखने में बड़ी चीज लग सकती है, जब आप छोटे छोटे प्रयास करते हो वही बड़े बन जाते हैं। आप लगातार एक चीज पर लगे रहोगे तो वही बड़े रूप ले लेता है। बाकी ये सब समय प्रबंधन है और अपनी प्राथमिकता है, उसके आधार पर ये सब तय हो जाता है। आप लगभग कितने लोगों को रोजगार दे रहे होंगे इस समय? लगभग का घर आपके द्वारा चल रहा है, आपके प्रयासों से, आपकी मेहनत के दम पर लोगों को मिल रहा है, वो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी में आप सब लोगों को साथ बराबर करके काम कर रहे हैं, इससे लगभग कितने लोग होंगे अंदाजे? देखिए, पहले तो आपने कहा कि मेरी वजह से घर चल रहा है, ये गलत है। उन सबकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, तो मैं उन सबको श्रेय देना चाहता हूँ। और करीब 250-300 लोग हैं जो हमारे साथ प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स है, हाँ जुड़ी जा सकती है, पर उन सबको धन्यवाद है जो मेरे साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपके द्वारा यहाँ पहुँचने के लिए कहाँ से शुरुआत की? देखिए, शुरुआत तो ये आया था कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ करें, तो बैटरी बनाने का काम शुरू किया और ग्राहकों के पास गए। अपनी बात को हमने पारदर्शिता के साथ रखा कि हम जो माल बना रहे हैं इसके अंदर जो हम कहेंगे वही करेंगे, हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। इन सब बातों को लेकर के हम आगे गए। धीरे धीरे हमें आप सभी ग्राहकों का विश्वास मिलता गया और आगे चलते चले गए, और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो कहें वो करें। आपने कभी भी माल में कोई कटौती नहीं की, अच्छा सामान दिया। आज मार्केट में तमाम कंपटीशन है, चाइनीज एंट्री भी है, विदेशी तमाम कंपनी आ गई है, उसके बावजूद एपेक्स बैटरी दुर्गेश वाशने के नेतृत्व और निर्देशन में लगातार कार्य कर रही है और आगे बढ़ रही है, तो ऐसी चुनौतियों का आप कैसे सामना कर पाते हैं? आपके पास अपडेट हो रही है सभी चीज़ें? देखिए, चुनौतियाँ हर व्यक्ति के जीवन में आएंगी, जो कोई भी कार्य करेगा चुनौती उसके लिए खड़ी हुई है। अब ये मेरे ऊपर है, मैं उस चुनौती को अवसर की तरह लेता हूँ या उसको मैं चैलेंज की तरह लेता हूँ। अच्छा, कितना समय हो गया आपको ये व्यापार, कब आपने इसकी शुरुआत की? इसकी शुरुआत सन 2001 में की थी और लगभग उस समय हम एक बैटरी प्रतिदिन बनाया करते थे, केवल एक बैटरी। हाँ, तो उसी को लेकर के जाते थे। कभी एक सपना था कि कोई एक बड़ा काम करेंगे, सोच विजन था कि एक अच्छा हमें इसको स्वरूप देना है, तो ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से। इतने लंबे समय में, लगभग मैं कह सकता हूँ लगभग 2 दशक हो गए, तो किन किन कठिनाइयों का समय समय पर देखिए सामना भी करना पड़ता है? आप ऐसे एक साथ कहीं ऊपर नहीं पहुंच जाते, एक बैटरी से सैकड़ों बैटरी बनाने का जो कार्रवाई हजारों का, तो कठिनाइयां भी आई होंगी, ऐसी बात नहीं। निसंदेह कठिनाइयां आती हैं, हर एक के जीवन में आती हैं। मैंने कहा कि आप कठिनाई को अवसर की तरह कैसे लेते हो। आज आप ग्राहक के पास आप जा रहे हो, वो आपको रिजेक्शन कर रहा है, तो आप आकर के घर बैठ जाओ ये नहीं, आपको ये पता करना है कि उसने रिजेक्शन किस चीज़ का किया, आपकी का, आपकी प्राइस का किया, आपकी क्वालिटी का किया, आपके लुक का किया, आपकी पहुंच का किया। वो उन कमियों को आपको लगातार दूर करते रहना है। अगर आप उन कमियों को लेकर के घर पर बैठ गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर ग्राहक, हर चीज़, कुछ ना कुछ, हर समय कुछ ना कुछ प्रकृति आपको सिखा रही है,
आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। आपके परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिला है समय समय पर? पूरा समर्थन मुझे मिला है। परिवार का समर्थन, आप फ्रेश मैन रहते हैं तो आप अपना काम ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं, संगठन को भी दे पाते हैं, अपने यहाँ के कर्मचारी मजदूर आपकी जो टीम है उसके बारे में अच्छा सोच भी पाते हैं। इसके लिए पहले जरूर है तो आपके पारिवारिक सपोर्ट आपको कितना मेंटली आपको अच्छा सपोर्ट मिला? देखिए, बिना पारिवारिक सहायता के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दे करके संस्कार दिए कि कुछ भी हो जाए किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, सत्य की राह पर चलना है। तो ये मेरे माता पिता से मिला, मेरे भाइयों का सहयोग मुझे समय समय पर मिला। फिर उसी निर्देशन का ये चमत्कार है जिसमें कभी कोई भी समझौता नहीं करना है, ना क्वालिटी के साथ ना धोखा देना, ईमानदारी पूर्ण काम बिल्कुल उसी के तर्ज पर। इसी के साथ मेरी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो भी उनके साथ भी चर्चा वार्ता चलती रहती है। तो ये परिवार क्या है, आपको एक आत्मीय बल देता है। आप जब कब जाते हो अपने परिवार के बीच बैठते हो तो सारी वो टेंशन आप तनाव को भूल जाते हो। तो परिवार अगर आपके साथ है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान है। अच्छा, घर में बेटे होंगे बेटियां होंगी तो वो भी लोग यहाँ बिजनेस में सपोर्ट कर, सब लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं ये? हाँ, बच्चे मेरे दोनों ही MBA कर रहे हैं। बेटी MBA मुंबई से कर रही है नरसिम्हन जी से, और बेटा IIM बोधगया से MBA कर रहा है। अभी बच्चे व्यापार में नहीं आए हैं, 2-3-4 साल का समय है, उसके बाद वो मुझे उम्मीद है कि व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। हाथरस को कुछ अच्छा मिले, हाथरस के लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, ऐसा चाहते हैं, यहाँ का विकास हो, ऐसा आपने हमेशा सोचा है? बिल्कुल बिल्कुल, हाथरस का विकास पूरी तरह होना चाहिए, और अपना ये मानना है कि हाथरस का विकास औद्योगिक विकास के द्वारा संभव है। आज अगर उद्योग के द्वारा किसी को कुछ रोजगार मिलता है तो वो अपना ध्यान उस तरफ लगाता है, नहीं तो समाज के अंदर बेरोजगारी बढ़ती है, वो अन्य तरह की घटनाओं को, चोरी को, डकैती को और शरारतों को जन्म देती है। तो औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि एक यहाँ औद्योगिक आस्थान का स्थापित किया जाए। यहाँ के लोगों में बहुत दम है। हमारा जो हाथरस है ये पुराने जमाने से ही उद्योग की नगरी रहा है, इसको कभी भी आप ये नहीं कह सकते उद्योग की नगरी नहीं रहा है। यहाँ के लोगों की उद्यमिता, यहाँ के लोगों का कौशल, यहाँ के लोगों का विकास, यहाँ के लोगों की सोच और आगे बढ़ने के लिए जो जिस तरीके से कार्य करते हैं। और पुराने लोगों का नाम लें आप, यहाँ पे सेठ बागला जी थे, सेठ मटुमल धन्नालाल का ऑयल मिल चला है, यहाँ पे सेक्सरिया जी रहे हैं, यहाँ पे कई ये बिजली कॉटन मिल है, यहाँ पे पुराना मिल, नया मिल, सब कॉटन मिल इतने बढ़िया इस ये व्यापार रहा, मसाले का केंद्र रहा है। तो यहाँ के लोगों में वही खून है, वही मिट्टी है, वही चल रही है, बस केवल उसको एक रूप देने की आवश्यकता है। और जीवन में किसे अपना आदर्श मानते हैं जिसके चलते आप यहाँ तक पहुँचे? कि सबके पीछे आदर्श होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, आप किसी से समझते हैं, सीखते हैं कि मुझे आज ये करना। देखिए, आदर्श में सबसे पहले जो मुझे व्यापारिक सीख दी मेरे पिता ने मुझे दी, बस उन्होंने एक ही चीज सिखाई मुझे, ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलना। बोले कुछ भी हो जाए इस बात को नहीं छोड़ना है, तो सबसे पहले आदर्श तो मेरे लिए वही है। और बाबू जी का एक विशेष प्रेम, एक विशेष सहयोग, और आपके पूरे यहाँ तक एक विशेष व्यक्ति के रूप में कहा जाए तो बाबू जी का उसमें सबसे पहला नंबर। बिल्कुल वही, और आज भी मार्गदर्शन देते हैं हमें, हम कहीं फंसते हैं तो उनसे वार्तालाप करते हैं। बड़ा महिलाओं का बड़ा सरे रहता है, पिता का तो आशीर्वाद रहता ही है, वो हमेशा समर्थन भी रहता है, वो चाहते हैं। तो महिलाओं के मामले में आप किसे बताना चाहेंगे जिनने आपका साथ दिया हर समय पर किसी भी कठिनाई में, कि नहीं हमें लोगों के बारे में सोचना है, हमें ये करना है, हमें आगे होता है? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षक हमारी माता जी हैं, जिन्होंने हमेशा एक मातृत्व वाला गुण, एक जो भावनात्मक लगाव उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से करना है। फिर जब पत्नी का मेरे जीवन में आया तो उन्होंने भी यही बताया कि ये जो हमारे कर्मचारी हैं ये हमारे हाथ पैर हैं, हमें इनकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, यही हमें आगे ले जाएंगे। ऐसे मेरे पत्नी के विचार रहे, और माता जी समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देती रहती हैं। तो ये एक इमोशनल जो व्यक्ति के जीवन में रहता है। पुराने समय में और अब के समय में व्यापार में शुरुआत का समय था और आज क्या अंतर आए हैं? बहुत बड़े बदलाव आए हैं टैक्सेशन के अंदर। अगर हम शुरुआत करते थे तो उसमें व्यापार कर लगता था, आज वो GST का रूप ले लिया है कई सारे टैक्सेस को मिला करके, और कई जगह टोल नाके वगैरह लगते थे वो हटने शुरू हो गए हैं। तो इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो टैक्सेशन सिस्टम काफी तरीके से बदला है। पुराने उसमें काम करने के तरीके, पहले पेपर का तरीका था, आज पेपरलेस तरीके पे जा रहे हैं व्यापारी। तो मेरा यही कहना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए और उसको
चैलेंज ना मान करके उसको अडॉप्टेशन करना चाहिए, क्योंकि देर सवेर आपका टेक्नोलॉजी ही आपको आगे ले जाएगी। बैटरी उद्योग में क्या क्या बदलाव है और क्या क्या अपडेट हुआ है और आगे क्या क्या अपडेट हो सकता है बैटरी उद्योग में? बैटरी बड़ी लंबी सोच रखते हैं, एक आध बार हमारी आपसे बढ़ता हुई है, तो आप इस चीज़ का मंथन करते हो, तो आगे क्या बदलाव होगा जो आप लोगों को देखने को मिल सकता है बैटरी में? देखिए, बैटरी जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ऐसे ऊर्जा एक जरूरत है, ये जरूरत के तौर पर चलती है। तो बैटरी क्या है, ऊर्जा का एक भंडार, स्टोरेज आप करते हैं तो बैटरी के रूप में करते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तब काले बक्से के अंदर आती थी, बड़ा सा बक्सा होता था, उसके अंदर मतलब एम्पियर कम होते थे, दिखावा जाता, बड़ा बक्सा होता था। आज हम छोटे उसके अंदर एम्पियर ज़्यादा दे रहे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल बदलाव है उसको देखने के हिसाब से। बिना पानी की बैटरी बैकअप भी बढ़ रहा है, पहले बैकअप कम होता था। यस यस, बड़ा बैकअप दे रहे हैं, लंबा बैकअप दे रहे हैं, ज्यादा वाट की बैटरियां हैं, यानी पहले जहां चार छह बल्ब जलते थे, आज आप पूरे घर के सिस्टम को एक ही बैटरी, हाँ हाँ, तो लंबे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले वारंटी एक साल हुआ करती थी, आज तीन साल चार साल की बैटरी की वारंटी चल रही है। और सबसे बड़ा बदलाव ये सोलर सिस्टम आ रहा है, सोलर सिस्टम घर घर के ऊपर लगेगा और उसको जो ऊर्जा निकलेगी वो बैटरी के अंदर ही संरक्षित होने जा रही है। तो बैटरी आगे लंबे समय तक साथ रहेगी, ऊर्जा का भंडार रहेगी। व्यापार को लेकर सरकार की नीतियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और सरकार के लिए ऐसा कोई सुझाव हो जो आपने खुद मंथन किया हो, चिंतन किया हो, जिससे व्यापार भी बढ़े, लोग भी आगे बढ़े, रोजगार बढ़े, विकास हो, तो सरकार के लिए क्या ऐसा सुझाव होगा और सरकार की नीतियों के बारे में बताएं कैसी है नीतियां? देखिए, सरकार कोई भी सरकार हो, मेरा मानना ही रहता है कि अपने स्तर पर वो प्रयास करते हैं। वर्तमान सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है व्यापार के विकास के लिए। अपना ये मानना है कि जो छोटे लघु उद्योग हैं उनके लिए कोई विशेष नीति अलग से बनाई जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए अलग से, कुछ टैक्सेशन के अंदर कुछ जो है, और उनके उद्यमता विकास के लिए वो कौशल अपने बनाए। होता क्या है कि छोटा व्यापारी छोटा रह जाता है, बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े लोगों के पास सिस्टम है, प्रोसेस है, वो लोगों को हायर कर सकते हैं, हम उसी सोचने में हमारा समय निकल जाता है। तो ऐसे एक तो ट्रेनिंग सेंटर्स बने, उनको टैक्स के अंदर भी छूट दी जाए अलग से, कुछ स्थान जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनते ईपीई, तो इस तरीके से एक छोटे उद्यमी के लिए भी कोई ऐसे जोन बना दें कि जहां ये अपना कार्य करेंगे और उस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो टैक्सेशन के अंदर छूट एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। एक इंडस्ट्रियल एरिया हाथरस के अंदर होना ही चाहिए, बिना उस इंडस्ट्रियल एरिया के विकास संभव नहीं है। तो ये सरकार हमारी मांगों पर ध्यान रखे तो हम निश्चित तौर पर बहुत कुछ करके दिखा देंगे यहाँ के उद्यमी। जो लोग आपको हाथरस 24 पर सुन रहे हैं, सुनेंगे और दिन प्रतिदिन आपको देखेंगे, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कोई ये खास संदेश कि लोगों को क्या करना चाहिए व्यापार में, कैसे लोग हमें कैसे व्यापारिक तौर पर आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको आपको दर्जनों बार पुरस्कार मिले हैं, तो आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए सीख और आदर्श हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, चाहे व्यापारी हो, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसेस करेंगे आगे, क्या होगा आपका एक संदेश जो आपको सुनेंगे? देखिए, ये आप लगातार कोई कार्य करते रहिए, आपको सफलता मिल जाएगी, पर आपको ये निश्चित करना होगा कि मुझे कहाँ पहुँचना है। एक तो आपका विजन क्लियर हो, दूसरा ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, कड़े परिश्रम का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के चलना चाहिए। आज अगर आप ये सोचो कि शॉर्ट तरीके से मैं उस कर जाऊँगा रातों रात, नहीं होने वाला है। आपको जैसे बीज आप जमीन के अंदर डालते हैं, वो एक पेड़ का रूप लेता है, तब उस पर फल लगने शुरू होते हैं, तो वही आपको धैर्य आपके अंदर रखना पड़ेगा, लगातार फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, विजन आपका क्लियर होना चाहिए, तो सफलता आपके दरवाजे पर रहेगी। सफलता के मापदंड सबको पता है, उन पर चलना कितने लोग चाहते हैं ये जरूरी है, सबको पता है, उन पर चलना है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया।